हे गाइस, कूल गैजेट्स और ऑसम प्रोडक्ट्स की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज गेमर्स से लेकर स्टूडेंट्स और सारे स्मार्टफोन यूजर्स, हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो बेहद खुश होने वाला है, क्योंकि आज के गैजेट्स हैं ही कुछ ऐसे। और इन सारे गैजेट्स को परचेज करने के लिए इनके लिंक्स आपको हमेशा की तरह मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज शुरुआत होगी ब्लैक शार्क 3 प्रो 5G गेमिंग फोन से। गाइस, ब्लैक शार्क के फोन्स हमेशा ही अपने डिफरेंट एडिशनल फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, और इसी सीरीज में वो फिर से लाए हैं गेमर्स के लिए एक स्पेशल फोन। ये स्मार्टफोन पर्टिकुलरली गेमर्स के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे FPS या फिर किसी भी तरह के गेम्स पसंद हैं, तो ब्लैक शार्क से अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको शायद ही किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में मिले, क्योंकि इसमें आपको पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है, जिसके चलते हैवी गेम्स को ये स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेता है। इसके साथ ही इसमें आपको मिलेगा सैंडविच लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो स्मार्टफोन्स की फील्ड में बिल्कुल ही लेटेस्ट फीचर है। अपनी 5000mAh की हाई परफॉर्मेंस बैटरी के साथ ये आपको काफी डिसेंट बैकअप दे देगा, और हैवी गेम्स बिना किसी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप के चलते रहेंगे। इसमें ये इंश्योर करने के लिए इसमें आपको कूलिंग सिस्टम के अलावा एक फन कूलर प्रो नाम का अटैचमेंट मिलेगा, जिससे आपका डिवाइस हैवी यूसेज को बिना हीटिंग इश्यूज के ही हैंडल कर लेगा। इसके अलावा लेफ्ट गेम पैड को ऐड करके आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा दूसरे स्मार्टफोन गेमर्स के कंपैरिजन में। ओवरऑल गाइस, ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग को फोकस में रखकर बनाया गया है, जिसमें बैटरी और प्रोसेसर से लेकर इसकी एसेसरीज भी गेमिंग सेंटर्ड हैं। आई रोलर दोस्तों अब आ जाता है, जिससे स्क्रीन एकदम नई जैसी लगने लगेगी, और विजिबिलिटी, शार्पनेस और कलर्स बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इस गैजेट से स्मार्टफोन को क्लीन करने के बाद आप इसे वाटर से रिंस कर सकते हैं। एयर हॉक सोनिक प्लेन। अब गाइस, आपको भी याद होगा कि अपने बचपन में कागज़ के प्लेन्स हमने कितने ही उड़ा दिए, और पेपर प्लेन्स ही नहीं बल्कि बहुत से टॉय प्लेन्स भी यूज़ किए। बट अब मिलिए इस माइंड ब्लोइंग सोनिक प्लेन से। ये सोनिक प्लेन उड़ाने के लिए आपको सिंपली इस प्लेन और इसके रिमोट को ऑन कर लेना होगा। उसके बाद जब एक बार ये दोनों चीज़ें पेयर हो जाएं, जिसका पता आप इन दोनों की LED लाइट्स को देखकर लगा पाएंगे, तो आपको इस प्लेन को बिल्कुल उसी पोजीशन में होल्ड करना होगा जैसे पेपर प्लेन्स को हम होल्ड करते थे, और ठीक उसी तरह से इसे थ्रो भी करना होगा हवा में। और जैसे ही ये प्लेन हवा में उड़ने लगे, सिंपली इसके रिमोट से इसे कंट्रोल कर पाएंगे आप। ये सोनिक प्लेन काफ़ी हाई स्पीड में उड़ता है और बहुत ही तेज़ी से वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा सकता है, यानी हवा में इस प्लेन को उड़ाकर आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अब बात आ जाती है इसकी लैंडिंग की, तो उसके लिए आपको इसके रिमोट में लगे स्विच को धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा, जिससे ये प्लेन भी धीरे धीरे नीचे की साइड आने लगेगा और स्मूथली लैंड कर जाएगा ग्राउंड पर। तो ओवरऑल गाइज, अगर आपको RC फ्लाइंग गैजेट्स पसंद है तो ये प्लेन आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है, और इसे परचेज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, बचपन में चोर पुलिस जैसे गेम्स खेलते वक्त हम अपने हाथों को कान में लगाकर फोन पर बात करने की एक्टिंग किया करते थे, वो भी क्या दिन थे गाइस। खैर, तो उन दिनों की वो एक्टिंग आज की डेट में रियलिटी बन चुकी है, और यकीन नहीं होता है तो मिलिए इस स्मार्ट रिंग से। और ही नाम की ये रिंग एक फ्यूचरिस्टिक रिंग है बहुत से स्मार्ट फीचर्स के साथ। इसे फिंगर पर पहनकर आप कॉल्स पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस या फिर नोटिफिकेशंस आने पर ये रिंग वाइब्रेट करती है, और आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस को इससे वॉइस फॉर्म में सुन भी सकते हैं। इसके अलावा गाइज, ये रिंग मेनली जेस्चर बेस्ड होती है, तो आप जेस्चर्स की हेल्प से इससे अपने बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इससे अपने हेडफोन्स में म्यूजिक सुन सकते हैं, और तो और इस स्मार्ट रिंग को आप वॉइस कमांड्स देकर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसेजेस भी भेज सकते हैं। ओवरऑल आपको किसी भी काम के लिए अपना स्मार्टफोन निकालना ही नहीं पड़ेगा अपनी पॉकेट से, और ये रिंग आपके लगभग सारे काम पूरे कर देगी। ल्यूमिनेट पैकलाइट मैक्स। अब गाइस, देख लेते हैं इस 2-in-1 गैजेट को, जो कि एक सुपर ब्राइट लैंप होने के साथ साथ एक स्मार्टफोन चार्जर का काम भी कर देता है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि इसे आप फोल्ड करके अपने साथ बैग में रख कर आसानी से कैरी कर सकते हैं। गाइस, कैंपिंग और पिकनिक वगैरह पर साथ ले जाने के लिए जो चीज़ें हम लेते हैं, उनमें से पावर बैंक और लैंप या फिर फ्लैश लाइट
ये दो गैजेट्स हम जरूर से रखते हैं, बट ये गैजेट इन दोनों गैजेट्स का काम अकेले ही कर देगा। साथ ही स्टोरेज में स्पेस भी कम घेरेगा। इसके अलावा गाइस, इसे आप सनलाइट से चार्ज भी कर सकते हैं, यानी अगर आउटडोर ट्रिप पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सोर्स अवेलेबल नहीं है तो भी आप इसे सनलाइट से चार्ज करके इसे पावर अप कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर अपने स्मार्टफोन्स और दूसरे यूएसबी बेस्ड डिवाइसेस को इससे चार्ज कर सकते हैं। इन सारे ऑसम फीचर्स के अलावा ये गैजेट पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी होता है, यानी अगर ये किसी रिवर में या फिर पानी में गिर जाता है या फिर बारिश में भीग जाता है तो इस पर उसका कोई असर नहीं होगा और ये एज इट इज बना रहेगा। तो ओवरऑल गाइस, कैंपिंग, पिकनिक और आउटडोर ट्रिप्स पर साथ ले जाने के लिए ये गैजेट एक सुटेबल चॉइस हो जाता है। रैप्टर। दोस्तों, अक्सर आपको बाइक चलाते वक्त अपने स्मार्टफोन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती होगी, कभी कभी मैप पर रास्ता देखने के लिए, तो कभी आने वाले कॉल्स और नोटिफिकेशंस को देखने के लिए। तो ऐसे में बार बार बाइक को रोककर स्मार्टफोन निकालने से कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप यूज़ करें रैप्टर नाम का ये गैजेट। ये एक रोटेटिंग स्मार्टफोन माउंट होता है। इसे आपको अपनी बाइक या बाइसिकल के हैंडल पर पहले करना होगा इंस्टॉल और फिर आप अपने स्मार्टफोन को इसमें लगा सकते हैं और ये फर्मली आपके स्मार्टफोन को होल्ड करके रखता है। ये स्मार्टफोन को कुछ रबर स्ट्रैप्स की हेल्प से होल्ड करता है और तो और आप अपने कंफर्ट और रिलायबिलिटी के हिसाब से स्मार्टफोन के एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो उसे वर्टिकल पोजीशन में रख सकते हैं या फिर चाहे तो पोर्ट्रेट मोड में भी उसे रख सकते हैं और इसे आप सिर्फ 300 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेज कर सकते हैं। फ्रीबोर्ड 5X। गाइज, स्नो में स्नोबोर्डिंग करते हुए लोगों को आपने मूवीज और वीडियोस में बहुत बार देखा होगा। हो सकता है आपने स्नोबोर्डिंग की भी हो, बट मोस्ट ऑफ द लोगों ने स्नोबोर्डिंग नहीं की होगी, क्योंकि गाइज स्नो तो हमारे यहाँ सिर्फ गिनी चुनी जगहों पर ही होती है, जिससे हर कोई स्नोबोर्डिंग का मजा नहीं ले पाता। तो ऐसे में आप स्नोबोर्डिंग जैसा एक्सपीरियंस खुद पा सकते हैं इस फ्रीबोर्ड 5X नाम के स्केटबोर्ड से। यानी गाइज, ये स्केटबोर्ड स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसकी बनावट कुछ ऐसी है जिससे जब आप इसे राइड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्केटबोर्डिंग नहीं बल्कि स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं स्नो में। इसके व्हील्स और फ्रेम्स अल्ट्रा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसे इसे चलाते वक्त आप अपने लेग्स से इसे बहुत ही शार्पली जिगजैग मूव कर सकते हैं। स्केटबोर्डिंग से रिलेटेड स्टंट्स करने के लिए भी ये बोर्ड एकदम परफेक्ट हो जाता है अपने अमेजिंग सस्पेंशन के चलते। और जहां आपको दूसरे स्केटबोर्ड्स में बैलेंस पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है, वहीं ये स्केटबोर्ड आपके मोशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। यानी आपको मिल जाएगी एक बिल्कुल ही रिलायबल और स्मूथ राइडिंग और आप स्केटबोर्डिंग को इससे परफेक्टली मास्टर कर लेंगे, वो भी काफी कम टाइम में। फील 3। गाइस, ज़्यादातर गेमिंग की दुनिया में मेनली दो तरह के गेम्स का कब्जा रहा है हमेशा से, एक तो शूटिंग गेम्स और दूसरा आर्केड रेसिंग गेम्स। तो अगर आपको आर्केड रेसिंग या फिर नॉर्मल रेसिंग गेम्स पसंद हैं तो मिलिए फील 3 से और ये इन्वेंशन आपको रेसिंग की दुनिया में वर्चुअली पहुंचा देगा। देखने में तो ये एक बॉल यानी कि कटोरे जैसा लगता है, बट एक काफ़ी बड़ा कटोरा जिसमें आपको बैठना होगा। ये बॉल जैसा गेमिंग इन्वेंशन पूरे 360 डिग्रीज तक रोटेट कर पाता है अपने एक्सिस पर। अब इसके अंदर में आपको वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स और एक रियल कार के इंटीरियर जैसे कि गियर्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर देखने को मिल जाएंगे। यानी इसमें आपको एक एक डिवाइस एक रियल कार के इंटीरियर की ही तरह मिलेगा, जो कि गेम को बिल्कुल ही रियलिस्टिक बना देता है। इसमें बैठकर जब आप स्टीयरिंग को पकड़कर अपनी वर्चुअल कार चलाएंगे जो कि गेम में मौजूद होगी, तो यकीन मानिए आपको एक बिल्कुल ही यूनिक और नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आप एक रिच एक्सपीरियंस चाहते हैं आर्केड रेसिंग गेम्स में तो फील 3 बेस्ट चॉइस हो जाता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स सबसे पहले आपको मिलें। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।